2017 में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी चीज की शुरुआत हुई जो देखते ही देखते बाकी स्टेट्स में भी ट्रेंड करने लगी, एंड दैट इज बुलडोजर एक्शन और द सो कॉल्ड बुलडोजर जस्टिस। In this video, we will see how fair is bulldozer justice, what the Supreme Court said on this, and what is the legal basis of these demolition drives. 2017 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाई टूवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स। पुलिस एनकाउंटर्स के साथ साथ एलिजेड क्रिमिनल्स के घर भी डिमोलिश किए जाने लगे। He openly said that my government will demolish houses of anyone even thinking of perpetuating a crime against women and minority sections. Social media ne ise itna highlight kar diya ki unhe bulldozer baba ka tag diya gaya. With time, Madhya Pradesh ki government bhi similar approach apnane lagi. Phir Rajasthan aur phir Delhi aur bulldozer action ek common practice ho gaya. Lekin kyunki koi kisi crime mein involved hai, sirf is wajah se uska ghar tod dena sahi hai. That too jab wo crime prove bhi na hua ho. 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख से ज्यादा घरों को डिमोलिश किया जा चुका है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच 7,38,000 पीपल हैव बीन रेंडर्ड होमलेस, एंड मेजॉरिटी इंसिडेंट्स में लोगों को प्रायर नोटिस भी नहीं दिया गया। अगस्त 2024 में उदयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर राशिद खान का घर डिमोलिश कर दिया गया जो उन्होंने सालों साल सेविंग्स करके बनाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उनके किराएदार के 16 साल के बेटे ने अपने एक हिंदू क्लासमेट को चाकू मार दिया, जिसके बाद हिंदुत्व ग्रुप्स ने बुलडोजर एक्शन की डिमांड की। कुछ ही घंटों में राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें एक नोटिस इशू किया कि उनका घर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड पर है, और अगले ही दिन उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया। इतना क्विक एक्शन तो कोई स्टेट अथॉरिटीज किसी सीरियस क्राइम में भी नहीं लेती। 2022 में मध्य प्रदेश के खारगोन में रामनवमी पर हुए क्लैशेस के बाद गवर्नमेंट ने 16 घर और 30 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर दिया। इनमें से कुछ घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में एक लेबरर के इंसेस्ट्रल घर को डिमोलिश कर दिया गया क्योंकि उसके बेटे पर ये इल्जाम लगा था कि उसने वहां के लोकल मंदिर में गाय का सर काट के रखा था। 14 जून को उसके अगेंस्ट FIR फाइल की गई और उसी दिन उसका घर डिमोलिश कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट के टाइम पे इतने डिमोलिशन ड्राइव्स कैरी आउट की गई कि लोगों ने उन्हें बुलडोजर मामा का टैग दे दिया। अगस्त 2023 में हरियाणा के नूर डिस्ट्रिक्ट में ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान हुए कॉम्युनल वायलेंस के बाद स्टेट अथॉरिटीज ने 443 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया, जिसमें से मेजोरिटी हाउसेस मुस्लिम पॉपुलेशन के थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर सुओ मोटो एक्शन लिया और स्टेट अथॉरिटीज को ये क्वेश्चन किया कि क्या वो कानून की आड़ में एथनिक क्लींजिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर था कि बुलडोजर जस्टिस से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देश भर में और भी ऐसे मल्टीपल इनलीगल बुलडोजर इंसिडेंट्स देखने को मिले, जिसके बाद लोगों ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील करना शुरू किया। इन डिमोलिशन ड्राइव्स पर रोक लगाने के लिए 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके तहत ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट आने तक कोई भी फर्दर डिमोलिशंस ना की जाए उनकी परमिशन के बिना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ऑर्डर एनक्रोच्ड एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं है, जहां किसी पब्लिक लैंड को कब्जा किया जा रहा है या अनऑथराइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वहां स्टेट गवर्नमेंट डिमोलिशंस कर सकती हैं बिना किसी परमिशन के, लेकिन किसी के घरों को इस तरह ना तोड़ा जाए। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने इस मैटर पर अपनी जजमेंट को रिजर्व किया। इसमें थे जस्टिस बी.आर. गवाई एंड जस्टिस विश्वनाथन। लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन दिस। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट सीवियरली क्रिटिसाइज दिस कॉन्सेप्ट। जस्टिस बी.आर. गवाई ने पूछा दैट हाउ कैन यू डिमोलिश समवनस होम मेयरली बिकॉज दे आर एक्यूज्ड, और इवन इफ यू शी इज अ कन्विक्ट, दिस इज इन द ग्राउंड फॉर डिमोलिशन। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मैटर के रिगार्डिंग पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाएंगे जो सारे कम्युनिटीज पर इक्वली एप्लीकेबल होंगी, एंड अंटिल दैट नो फर्दर डिमोलिशंस शुड बी कैरिड आउट।
नंबर थ्री, सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन्ड द सिलेक्टिव डिमोलिशंस एंड द टाइमिंग ऑफ सच इंसिडेंट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया है उनमें एक कॉमन चीज थी कि रिसेंट टाइम्स में वो सब किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे। अगर उनकी बिल्डिंग्स एनक्रोच्ड या पब्लिक एरियाज में थी भी तो क्यों स्टेट्स ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था और क्यों ये सारे स्टेप्स केसेस रजिस्टर होने के बाद ही लिए गए और क्यों प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग लॉ नहीं हो सकता। अगर वाकई ही कोई बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है या पब्लिक एरियाज पर एनक्रोचमेंट है तो फिर वो किसी भी कम्युनिटी के लोगों की हो, किसी भी धर्म की हो, इट हैज टू बी डिमोलिश्ड, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। नाउ इज बुलडोजर जस्टिस फेयर? These demolitions have been labeled as collective extrajudicial punishments and kangaroo court. कुछ लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं। उनका कहना है कि जुडिशरी में केसेस सालों साल तक पड़े रहते हैं तो इंस्टेंट एंड क्विक जस्टिस देने का ये तरीका अच्छा है, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि ये लॉफुल नहीं है। एनक्रोच्ड एरियाज में से बिल्डिंग्स को हटाने के लिए स्टेट्स में प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं जिनके तहत एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। बिना उसे फॉलो किए, बिना नोटिस सर्व किए आप बिल्डिंग्स को डिमोलिश नहीं कर सकते हो। एज पर इंडियन लॉ द एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो बिना क्राइम प्रूफ हुए इतना सीरियस एक्शन लेना इज अ ब्लैंक वायोलेशन ऑफ जुडिशियल प्रिंसिपल्स। एंड इवन इफ द एक्यूज्ड इज गिल्टी देन टू द पनिशमेंट मस्ट बी गिवन टू द कन्विक्ट एंड नॉट टू हिज फैमिली। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैवंट डन एनीथिंग आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। This is the violation of fundamental right. Chameli Singh vs State of Uttar Pradesh 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी that Article 21 के तहत right to life also includes right to shelter. Therefore, आप pavement या slum dwellers को भी proper rehab और alternate accommodation के वहां से हटा नहीं सकते हो। This is true कि आज के time पे जितना crime हो रहा है specifically against women, kids and minority sections, सिर्फ डर ही एक ऐसी चीज है जो उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो डर होना चाहिए लीगल एक्शन का, क्विक जस्टिस का और हार्श पनिशमेंट्स का, ना कि इनलीगल स्टेट एक्शंस का। कोई क्राइम कमिट करे और उसका पूरा परिवार ही सड़क पर आ जाए, दैट्स नॉट जस्टिफाइड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कीप फॉलोइंग।